में भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी है। आमजन को भयंकर गर्मी की वजह से भारी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, लोग गर्मी में बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। हरियाणा में सोमवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अप्रैल में 5 साल में सबसे अधिक है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में इस साल अप्रैल में अब तक 5 दिन ऐसे दर्ज किए गए हैं जब लू चली है, और ये संख्या 12 वर्षों में सबसे अधिक है। इससे पहले अप्रैल 2017 में ऐसे 4 दिन दर्ज किए गए थे। मंगलवार शाम को बादल छाए रहने से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। IMD मौसम संबंधी चेतावनी के लिए 4 तरह के अलर्ट जारी करता है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के फरीदाबाद स्थित भोपनी में सबसे अधिक 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य के गुरुग्राम और हिसार में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा और अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार हरियाणा के नारनौल में 43.5 डिग्री, भिवानी में 42.5 डिग्री, रोहतक में 41.2 डिग्री, अम्बाला में 41.2 डिग्री और सिरसा में भी अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब में बठिंडा सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अमृतसर में 41.2 डिग्री, लुधियाना में 41.5 डिग्री, पटियाला में 42.6 डिग्री और जालंधर में भी अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री रहा। लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप ज्यादा होगा। लोगों को अपने आप को हाइड्रेट रखने की जरूरत है, ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।